हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बिहार की गया जिले से 5 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध सूफी संत चिश्ती अशरफी सिलसिले की हजरत सैयद शादुर्वीज अशरफ की मशहूर खानकाह बीथो शरीफ दरगाह आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समेत कई धर्मों के लाखों लोगों के लिए भक्ति आस्था और श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र है जहां दुखियारे और परेशान हाल लोग रोते हुए आते हैं और दर्शन करने के उपरांत मुस्कुराते हुए अपने घर को लौटते हैं। आप बीथो गए, इलाज कराया, क्या फायदा आपको वहाँ मिला? हमने बीथो गए, ये बीथो में देखा बहुत जगह गए हमने, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। बीथो में गए तो बीथो में हमको रूहानी फायदा वहाँ से हमारे नजर आया। हमारा लड़का की तबीयत खराब थी, हमने 2 साल से परेशान थे, बहुत जगह गए लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। लेकिन आदमी ने बताया कि आप बीथो जाइए, बीथो मजार पर रहे तो वहाँ से हमारे लड़के को बहुत बड़ा फायदा हो। बिहार के गया जिले के फल्गु नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल है, लेकिन बीथो शरीफ की एक खास पहचान है, इसलिए इस दरगाह को रूहानी इलाज का सबसे बड़ा केंद्र भी कहा जाता है। आज भी पूरे भारत से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और हर साल इस्लामी माह शबान की 10 तारीख को हजरत सैयद शादुर्वीज अशरफ का उर्स बनाया जाता है। हजरत ये बताइए कि रोजाना जो है कितने लोग यहां ज्यादा? 100-150 आदमी बढ़ते आते हैं जी। वो इसमें क्या मुख्तलिफ मजहब के लोग भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, सब गैर कौम भी आती है जी। इसमें ज्यादा गैर कौम भी ज्यादा रहते हैं। अच्छा जी, उनके आने का क्या वजह रहता है? उनके शैतानी हरकत से जी, शैतानी हरकत की वजह से परेशानी होती है। आसिफ खलील जो तो परेशानी की वजह से होती है, जिसके वजह से उनको छुटकारा मिलता है, इसीलिए वो आते हैं। तो यहाँ क्या अमल होता है, कौन करता है ये अमल? अमल जो होता है, हाजिरी बनाई जाती है जी। 40 दिन का छिल्ला होता है जी। उस छिल्ले में जो परेशानी उनकी हल होती है। अच्छा। बाबा का वकील लोग जो हैं वही करते हैं, हम लोग नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं करते। हजरत सैयद शादुर्वीज अशरफ ने अपने जीवन काल में गरीब मजलूम बीमार लोगों की घावों जख्मों पर इंसानियत का मरहम लगाते रहे। उनके आशीर्वाद और अद्भुत दिव्य शक्ति से मानसिक रोगी, भूत प्रेत, सफेद दाग, दम्मा कोड़ समेत कई अन्य मरीज लगातार स्वास्थ्य लाभ पाते रहे हैं। तभी तो शरीफ आए हुए हैं जी। क्या कारण है यहाँ आते हैं, आने का कुछ फायदा होता है? फायदा तो होता है। क्या फायदा? कैसे? जैसे जिसका भी जो भी मुराद होता है वो पूरा होता है। कब से आप यहाँ आ रहे हैं? तो आ रहे हैं पिछले 8 महीने से। क्या मुराद लेके कुछ आए थे? तो आए थे कि मेरा रोजी रोजगार अच्छा हो जी, ढंग से कमा। हजरत सैयद शादुर्वीज अशरफ का जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1407 में हुआ था। आपने 3 बार पैदल हज किया। 1497 में हजरत सैयद शादुर्वीज ने आखिरी सांस ली, इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उन्हें बीथो शरीफ में दफन किया गया। देश भर से लोग दर्शन करने लगातार बीथो शरीफ आते हैं और आम तौर पर खानकाह में श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में कुछ पैसे की मांग की जाती है, पर बीथो शरीफ में श्रद्धालुओं से एक भी पैसे की मांग नहीं की जाती है। ये बीथो शरीफ जिला गया में आता है, गया शहर से जानिब उत्तर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ मजार शरीफ हजरत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की है। ये मज़ार 550 साल पुरानी है। इनका नस्ली सिलसिला कादरिया है और बैती सिलसिला चिश्तिया है। वैसे नस्बत आपका चिश्तिया कादरिया दोनों है। ये सिलसिला गरीब नवाज और हजरत गौस पाक से मिलता है और हजरत मखदूम दुर्वेश अशरफ के जद्दे आला का नाम मखदूम सैयद शाह सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कछोटे शरीफ की औलाद हैं और मैं मखदूम दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के 16वें पुश्त में नस्ली तौर पर सज्जादा नशीं हूँ और मुतवल्ली हूँ। इस आस्थाने की, इस खानकाह की मैं देख रेख निगरानी करता हूँ। मैं यहाँ तकरीबन 60 सालों से
मखदूम दरवेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ बंगाल, यूपी, बिहार, इस जोन के हर जगह से लोग हिंदू मुसलमान आते हैं जी, अकीदत से, मोहब्बत से, और इनके फैज़ और करम से अल्लाह पाक लोगों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। यहाँ बारह महीना हिंदू मुसलमान सारे लोगों का मजमा होता है जो देखने से ताल्लुक़ है। यहाँ लोगों को बड़ी अकीदत है, और ख़ास करके जो आसेबी खलीज के लोग होते हैं जी, या पागल दीवाने होते हैं, या जो शहर के असरात से मुतासिर लोग हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं दस दिन 15 दिन, महीना, 2 महीना, अपने खुशी से लोग रहते हैं, और सुबह शाम हाजिरी देते हैं हजरत की दरबार में जी, और उसी से खुद बखुद बग़ैर झाड़ फूक के, बग़ैर दुआ तावीज़ के अच्छे हो जाते हैं। ये सिलसिला यहाँ रोज़ है। तो हज़रत, यहाँ ये जो लोग आते हैं दूसरी जगह से, तो क्या इनसे कुछ उजरत भी वसूली जाती है इस ताल्लुक से, या कुछ पैसे वगैरह भी इनसे लिए जाते हैं, या ये सारा मामला जो है फ्री में? नहीं, सारा मामला फ्री होता है। आज बात ये है, यहाँ खानकाह में कोई चला जाए हिंदू मुसलमान, कोई उनसे एक पैसा मांगने वाला नहीं है, कोई लूट मार नोच खसोट जो होता है आजकल, वो सब चीज़ यहाँ नहीं है, इससे बिल्कुल फ्री है, आप देख भी सकते हैं।